हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट का नेक्स्ट पार्ट और देखेंगे एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एक बार IBPS PO 2014 में पूछा गया है। इनपुट दे दिया गया, 6 स्टेप दिए गए, लास्ट स्टेप आउटपुट होता है हमारा, हमने सीखा था बेसिक वीडियोस में। और इससे हमें एक लॉजिक क्रैक करना था, उस लॉजिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, अबाउट 6 क्वेश्चन थे और उन 6 क्वेश्चन को हमें इसी लॉजिक से सॉल्व करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम देखेंगे कैसे इसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी वाली मेरी वीडियो देखी है तो आप इसको बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो हमने पार्ट बनाया है इसका इनपुट आउटपुट का, अगर आपने वो देखा है तो आप इसे बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम में पूरे मार्क्स पा सकते हैं। अगर आप इसका लॉजिक वैसे समझने की कोशिश करेंगे बिना मेरी ट्रिक को यूज़ करे हुए, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है एक्चुअली में। तो हम इसमें टाइम बचाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे और कैसे इसका लॉजिक हम पहचानेंगे। तो हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब देखो क्या करना होता था हमें सिंपली क्या करना होता था, हमने थर्ड वीडियो में क्या देखा था, नंबरिंग करते हैं। या तो हम असेंडिंग करें नंबरिंग या डिसेंडिंग करें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब स्मॉल से बिग। जो नंबर सबसे छोटा है उसे नंबरिंग हम करेंगे 1, जो उससे बड़ा है उसे 2। उस हिसाब से अल्फ़ाबेट को, जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आएगा उसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से। तो फटाफट से नंबरिंग करनी है हमें। 46 को मैंने नंबरिंग करी 1, उसके बाद 49 आएगा उसको नंबरिंग करी 2, उसके बाद 59 को 3, यहाँ 4, 5 और ये 6। 6 नंबर थे, 6 नंबरिंग कर ली हमने। उसके बाद सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा, बी आएगा, लेकिन बी में यहाँ पे बर्न भी है, बोल्ड भी है। डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, बी दोनों में सेम है, ओ पहले आता है या यू, ओ पहले आता है, तो इसका मतलब बोल्ड पहले आएगा डिक्शनरी में। उसके बाद क्या आएगा, बर्न, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद मिंट, उसके बाद पार्ट, बाद वाइप। बस इतना कर लिया आपने। अब आपको बहुत कम टाइम लगेगा लॉजिक क्रैक करने में। अब देखो क्या करना है, अब आपको सिर्फ 95 यहाँ पे आ गया पहले उठ के फर्स्ट स्टेप में। और कोई चेंज भी हुआ है क्या, हाँ बोल्ड भी आ गया यहाँ पे, 2 चेंजेस हुए हैं। इसका मतलब 95 का नंबरिंग क्या करी हमने, 6, यहाँ पे पहले आया 6 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद सारा सेम रहा और लास्ट में क्या आ गया, बोल्ड की नंबरिंग क्या है, 1, 6 एंड 1। दूसरे स्टेप में अगर हम देखेंगे तो 82 यहाँ पे आ गया, 95 से पहले आ गया। 82 की नंबरिंग क्या है, 5, मतलब 5 आ गया 6 से पहले। उसके बाद क्या हुआ, बोल्ड के बाद क्या आ गया, बर्न, तो मतलब 1 के बाद क्या आ गया, 2। इसके बाद क्या हुआ, 82 से पहले आ गया 72, 72 की नंबरिंग क्या करी हुई हमने, 4, 5, 6, पूरा सेम रहा, 1, 2, लास्ट में क्या गया, लेफ्ट, लेफ्ट की नंबरिंग क्या कर रखी हमने, 3। इस तरीके से चलते चलते हम लास्ट स्टेप पे जब पहुंचेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये नंबरिंग हो गए हमारे पास नंबर्स की। इस तरह अल्फाबेट की भी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया अल्फ़ाबेट की। तो लॉजिक तो क्रैक हो गया, बस हमें क्या बात जो हमें मेन ध्यान में रखनी है, वो फर्स्ट स्टेप में 6 आया था, सेकंड में 5 आया था, थर्ड में 4 आया था, मतलब उल्टे राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर ऐड हो रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, पहले 1 आया था, फिर 2 आया था,
फिर 3 आया था, फिर 4 आया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और बाकी सारे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। कैसे देखो, अब आप जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ये, एक इनपुट दे दिया गया है 29 कोन 42 इस तरीके से, और पूछा गया है विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। ये एक स्टेप दिया हुआ है इस इनपुट के ऊपर बेस, और पूछा है ये जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप होगा। आपको इसी इनपुट के ऊपर 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको क्या करना है जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे, जब सपोज आपको LIC में भी इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाता है, आप इनपुट को रफ पेपर के कोने पे लिखोगे, कैसे लिखोगे वो भी देखो, 29, उसके बाद कोन है तो खाली सी लिखना है आपको, टाइम बचाना है आपको, 42 पेल है तो खाली पी लिखना है। अब देखो एफ से दो वर्ड हैं, फियर और फेम, तो आप फियर को कैसे लिखोगे, FE, और फेम को कैसे लिख दोगे, FA। इस तरीके से आपको जल्दी से लिखना है इनको, और उसकी नंबरिंग कर दे रही है। एक बार नंबरिंग करना ही आपको 6 क्वेश्चन में काम आएगा। हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स हैं इसलिए हमें बार बार नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार नंबरिंग करनी है 6 क्वेश्चन के लिए। इसे आप फटाफट से नंबरिंग कर लोगे, 1 एंड देन उसके बाद 32 2, 39 3, 42 4, 67 एंड देन 77। इस तरीके से आप अल्फाबेट की नंबरिंग, कौन पहले आ गया, सी के बाद एफ आएगा, लेकिन फियर और फेम है तो एफ तो कॉमन है, ए पहले आएगा ई से, तो ये हो गया 2, डिक्शनरी में फियर फेम पहले आएगा, उसके बाद आएगा फियर, उसके बाद आएगा पेल, उसके बाद आएगा टर्न, उसके बाद आएगा वेल्ड। ठीक है, नंबरिंग आपने कर ली। अब देखो क्वेश्चन में है, आपको नंबरिंग करने के बाद कुछ सिर्फ देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो। कैसे, हमने जो अपना रेफरेंस वाला क्वेश्चन लिया था जिससे हमें लॉजिक क्रैक करना था, उसमें क्या था, पहले आ रहा था हमारे पास 6, सब कुछ सेम, और लास्ट में आ रहा था 1, उसके बाद आ रहा था 5, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले क्या आया, 77। 77 का मतलब क्या है, हमने 77 को क्या नंबरिंग करी है, 6, 6 आया पहले। उसके बाद देखो सब सेम चल रहा है, 29, 42, 29 के बाद कौन आना चाहिए था, लेकिन कौन क्या हुआ, लास्ट में चला गया। दो चेंजेस हो रहे हैं, कौन का नंबरिंग क्या कर रखी है हमने, 1, ठीक है, और सब सेम है, इसका मतलब पहले 6 और लास्ट में 1। कौन से स्टेप की नंबरिंग है हमारी, जो हमने रेफरेंस स्टेप देखा था, जो हमने रेफरेंस क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से 6 और 1 जो है हमारे पास खाली फर्स्ट स्टेप में आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ आप देख के आंसर टिक कर सकते थे। कैसे, जब आप नंबरिंग करोगे 77 को, आपने देखा नंबरिंग बैठ रही है मेरी 6, और कौन की नंबरिंग बैठ रही है, 1, 6 और 1 कौन से स्टेप में थे मेरे पास, फर्स्ट में, सिंपल सॉल्व्ड। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फेम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 67 इन द सेकंड लास्ट स्टेप। कह रहा है मेरे पास पोजीशन क्या होगी फेम की फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 67, 67 के राइट एंड से फेम की पोजीशन क्या होगी इन द सेकंड लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले तो मुझे सेकंड लास्ट स्टेप देखना पड़ेगा वो क्या होगा। अब देखो क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा था, आपको लॉजिक तो पता ही है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, 6 सेम, यहाँ पे आ रहा था 1, दूसरे स्टेप में 5 6, सब कुछ सेम, फिर 1 फिर 2, इस तरह थर्ड स्टेप 4 5 6 सेम, 1 2। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ भाई, आपको सीधा स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप लिखना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको भी, स्टेप 4 कैसे लिखेंगे हम, 3 4 5 6 सेम, 1 2 3 4, है ना। स्टेप 5, 2 3 4 5 6, सब कुछ सेम, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट स्टेप 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ये हो गया स्टेप सिक्स, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप ये है तो सेकंड लास्ट स्टेप ये हो गया स्टेप फाइव। स्टेप फाइव की नंबरिंग क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। बीच में जो बचा होगा वो सेम, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ये आपके स्टेप फाइव की नंबरिंग है। अब पहले आप इसको रेस कर देते हैं। आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे स्टेप फाइव? देखो जब आप स्टेप वन के अंदर क्या हो रहा था, एक नंबर सेट हो रहा था सिक्स, और यहाँ पे एक नंबर सेट हो रहा था वन। स्टेप टू में दो नंबर सेट हो रहे थे, है ना, फाइव और सिक्स, इधर वन और टू। तो स्टेप वन में एक, स्टेप टू में दो, इस तरह के स्टेप फाइव में कितने नंबर सेट होंगे? पांच होने चाहिए। वन में वन, टू में टू, थ्री में थ्री, फोर में फोर, फाइव में फाइव। तो फाइव नंबर कौन कौन से हैं? सिक्स से हम अगर शुरू करेंगे तो सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू। इसे हम वन से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो सीधा स्टेप फाइव आप ऐसे लिख सकते थे क्योंकि आपको लॉजिक पता ही है, आपने लॉजिक क्रैक कर चुके हो। अब एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि जो हमने रेफरेंस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसके अंदर हमारे पास छह स्टेप बने थे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे छह स्टेप ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे नंबर या कोई ऐसे अल्फाबेट दोनों एक साथ आ जाए कि जो कि अपने आप पहले से अपनी जगह पे सेट हो। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था कि जो जो भी एलिमेंट अपनी जगह पे पहले से ही सेट है, हम उसे स्टेप नहीं मानते। जो भी एलिमेंट अपनी जगह पे पहले से सेट है उसे हम स्टेप नहीं मानते। तो हमें एक बार वो चेक जरूर करना पड़ेगा। तो एक बार, एक ही बार चेक करना है, क्योंकि इनपुट, जो इनपुट है हमारे पास वो छह क्वेश्चन के लिए सेम है। तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं एक बार, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी कि आपने जो सॉल्व करा है क्वेश्चन वो बिल्कुल 100% सही है। तो आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं कि जो मैंने मतलब इसके स्टेप्स भी छह ही बनेंगे ना, कम तो नहीं बनेंगे। कहीं कोई एलिमेंट अपने आप ही अपनी जगह पर सेट तो नहीं है। बस आप एक बार वो चेक कर लेंगे। वो क्या चेक करेंगे? आप जल्दी से देखो, फर्स्ट से आप इसको नंबरिंग आपने करी रखी है, हमें फिर से करनी पड़ेगी, सेकंड स्लाइड है क्योंकि। तो आप नंबरिंग आपने कर रखी है 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबरिंग आपने कर रखी है। अब सबसे पहले आप क्या करो, आपने सिक्स को पहले लाना है ना फर्स्ट स्टेप में। जो आपका स्टेप फर्स्ट है उसमें क्या करना है आपको, सिक्स को लाना है पहले, सिक्स उसके बाद लाना है यहाँ पे फर्स्ट। सिक्स क्या है नंबरिंग में? 77। आप इसको कट कर दो, सिक्स हो गया, और 1, 29। इसका मतलब समझ जाओ 77, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 29 नहीं, हमें इसमें काटना है। हमें अल्फाबेट में काटना है ना। अब तो वन पे क्या है? कोन। ये भी कट गया, इसका मतलब समझ जाओ कोन उठ के आ गया यहाँ, ठीक है, 77 उठ के आ गया यहाँ। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया मेरा। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में क्या होना था? 5, 6, 1, 2। व्हाट इज फाइव? सिक्स से पहले फाइव आना था। फाइव क्या है? 67 सेट नहीं अपनी जगह पे। उसके बाद यहाँ पे आना था 2। 2 का मतलब फेम, फेम कट गया। थर्ड में क्या है? 4, 5, 6 और यहाँ 1, 2, 3। 4 क्या है? 42 कट गया, और इधर 3 क्या है? फियर कट गया। अभी तक सब कुछ ठीक है। फोर्थ से आप देखते हैं, हम ये आपको जल्दी से चेक करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपको जल्दी से चेक करना है। 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। थ्री कौन सा है यहाँ पे? 39 कट गया। 1, 2, 3, 4। फोर क्या है?
पेल, ये भी कट गया। ठीक है, अभी तक मेरे पास फोर्थ स्टेप तक सही चल रहा है, कोई भी नंबर नहीं सेट है अपने आप। फिफ्थ स्टेप में 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, टू कौन सा है नंबर, 32 कट गया, एंड 5 कौन सा है अल्फाबेट, टर्न। अब देखो ये टर्न कट गया, अब जो मेरे पास लास्ट स्टेप है उसके अंदर क्या है, देखो आप लास्ट स्टेप में जो 6 स्टेप है उसमें आना चाहिए यहाँ पे 1, उसके बाद पूरा सेम, ये भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो ये 1 जो है अपनी जगह पे पहले सेट था, ये नंबरिंग को हम वहाँ पे 1 करेंगे ना, तो ये तो मेरी जगह पे पहले सेट है, 29 पहले से अपनी जगह पे सेट है, लेकिन वेल्ड वेल्ड अपनी जगह पे सेट नहीं है, तो हमें तो एक स्टेप में दो चेंजेस कर रहे हैं ना, एक स्टेप में दो चेंजेस करने हैं, तो दोनों चेंजेस अपनी जगह पे सेट होंगे तभी हम उसे स्टेप नहीं बनाएंगे, लेकिन खाली यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट अपनी जगह पे सेट है, तो वेल्ड तो नहीं है ना, वेल्ड तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें भी 6 स्टेप ही बनेंगे, खाली 1 सेट है ना, ये तो सेट नहीं है 6 वाला नंबर, मतलब वेल्ड तो अपनी जगह पे सेट नहीं है ना, तो वेल्ड को तो हमें सेट करना पड़ेगा, वेल्ड को सेट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 6 स्टेप, मतलब ये हमें कंफर्म हो गया इसमें भी 6 स्टेप्स ही बनेंगे। ये आप नहीं भी कंफर्म करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्योंकि 99% जहाँ पे भी दो चेंजेस हो रहे होते हैं वहाँ पे उतने ही स्टेप्स बनते हैं जितने कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे मेरे पास 6 यहाँ पे नंबर थे और 6 ही अल्फाबेट थे और दो चेंजेस हो रहे थे मेरे पास, एक नंबर में एक अल्फाबेट में, तो मेरे पास उतने ही स्टेप बने जितने मेरे पास इंडिविजुअली नंबर और अल्फाबेट थे, 6 नंबर थे और 6 अल्फाबेट थे, नंबर भी 6 थे और अल्फाबेट भी 6 थे, तो स्टेप्स भी कितने बने, 6 ही बने, क्यों, क्योंकि एक में दो चेंजेस हो रहे थे ना, तो अब आपको ये कंफर्म हो गया कि 6 ही स्टेप होंगे। अब पूछ रहा है सेकंड लास्ट स्टेप, आपको अब तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है और आंसर लिखना है। सेकंड लास्ट स्टेप, पहले हम इसको थोड़ा सा, आपको नंबरिंग सिर्फ एक ही बार करनी है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, हमें बार बार करनी पड़ रही है, 1 2 3 4, और इतनी जल्दी ही आपको नंबरिंग करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम में मोटर आपको टाइम बचाना है सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब क्या बताना है मुझे, अब देखो आप, अब आप सारे क्वेश्चन ऐसे देखते जाओ, सेकंड लास्ट स्टेप आप सीधा लिखो, सेकंड लास्ट स्टेप का मतलब फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, मेरे पास 5 नंबर मेरे पास सेट होंगे, पहले स्टेप में 6 हुआ, 5 हुआ, थर्ड स्टेप में 4 हुआ, फोर्थ स्टेप में और फिफ्थ स्टेप में ये हो गया, सेम रहेंगे 2 नंबर बीच के, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, इनकी सीधा वैल्यू लिखूँ, 2 नंबर क्या है मेरे पास, 2 नंबर है मेरे पास 32, लिख दो आप यहाँ पे 32, इसको कर दो कट। 3 नंबर क्या है, 39, लिख दो 39, इसको कट कर दो। 4 नंबर क्या है, 42, लिख दो 42, लिखने की जरूरत भी नहीं, आप सीधा कट भी कर सकते हो। 5th नंबर क्या है, 67। 6th नंबर क्या है, 77, कट कर दो। अब क्या करो, अभी बीच के नंबर आप छोड़ दो, अभी मत कट करो बीच के नंबर, थोड़ा सा गैप दे के लिखो 1, 1 पे यहाँ पे क्या आएगा, कौन मतलब सी, 2 पे क्या आएगा, फेम मतलब FA, 3 पे क्या आएगा, फियर मतलब FE, 4th पे क्या आएगा,
फोर्थ पे आपका आएगा पेल यानी पी, फिफ्थ पे क्या आएगा टर्न यानी टी। ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब जो भी बचे हुए नंबर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 29 बचा हुआ है, 29 पहले आएगा यहाँ, कट करो। उसके बाद क्या बचा हुआ है आपका वेल्ड, तो वेल्ड आएगा यहाँ। अभी आपका बन गया क्या स्टेप फिफ्थ, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप बन गया। मुझे अब बताना क्या था ये आप देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फेम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 67। 67 का है मेरे पास ये, इसका राइट एंड क्या है ये, इसके राइट एंड से फेम की पोजीशन क्या है, तो 1, 2, 3, 4th एंड 5th। फेम की पोजीशन क्या है, 5th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 67। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब आप समझ तो गए लेकिन आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करना था। अब ये देखो, जल्दी से कैसे सॉल्व करना आप ये देखो, जैसे आपने देखा मुझे लिखाना है सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप का मतलब फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप आप फटाफट से ऐसे लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 बीच वाले। 2 को काट दो, 3 को काटो, 4 को काटो, 5 को काटो, 6 को काटो। सारे काटने के बाद बीच के छोड़ने के बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5 को काट दो, जो भी बचे होंगे उनको बीच में लिख दो। ठीक है, अब आपको सारी चीजें मिल गई। अब देखो आप, तो अब आपने क्या करा, जल्दी सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं हम। 2 था, 2 को काट दो, नंबरिंग फिर करनी पड़ेगी। देखो अब क्या करो, 2 को काटो, कंजेट हमारे पास 32, इसको काटो, 3 को काटो, 4 को काटो, 5 को काटो, 6, 5 भी काटो, 6 भी काटो, 4 भी काट दो। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करो, अब नंबर को भी काटो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, सॉरी अल्फाबेट्स को 1। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था, अब आप देखो फेम का है मेरे पास ये है। ठीक है, फेम की वैल्यू क्या है, सेकंड नंबर मतलब ये फेम है। ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे लिखो एफ ए। 67, 67 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 है नंबरिंग में, मतलब ये मेरे पास 67 है। सब कुछ कट चुका है, खाली क्या क्या बचा, 29 जो पता हुआ यहाँ बचा हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 29 और वेल्ड। अब देखो 67 ये है, फेम ये है, 29 वेल्ड बीच में आ गया। दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, 1, 2, 3, 4 और 5 कितनी पोजीशन हो गई, फिफ्थ। सिंपल आप क्या करोगे, फिफ्थ आंसर टिक। तो इसमें आपको हार्डली 10 से 20 सेकेंड ही लगेंगे, 20 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग आपके पास पहले से करी हुई है, नंबरिंग आपने करी हुई है। आप उसको काटो, पेंसिल से काट लो, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के करने के लिए आप उसको इरेज कर सको। पेंसिल और इरेजर आप जरूर रखो, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो कई बच्चे इरेजर वगैरह नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ पेन से ही। तो इरेजर का यहाँ पे बहुत यूज आता है, आपको दोबारा दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेंसिल से काटो, जब कई वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इरेज कर दो फटाफट से उसको। तो आपको नंबरिंग सिर्फ एक ही बार करनी है, नंबरिंग एक बार करके सीधा आंसर टिक आउट करना है। तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड पे चलते हैं हम। सेम इनपुट है,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 29 इज इन स्टेप टू। सबसे पहले स्टेप टू क्या होगा, दो नंबर मेरे पास सेट होंगे, मतलब पहले में मैंने 6 सेट करा, दूसरे मैंने 5 सेट करा, सारा सेम रहेगा, यहाँ पे खाली 1 सेट और 2 सेट होगा, इतना ही सेट होगा ना खाली। नंबरिंग आपने कर रखी है, मैंने आपको बताया इरेजर से नंबरिंग, पेन से नंबरिंग करके रखो आप, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो पेंसिल से सॉल्व करो। नंबरिंग आपने कर रखी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। जब इरेजर से इरेज कर दोगे तो फिर से आपके पास फ्रेश ऐसे ही आ जाएगा, तो वर्कआउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्या करो आप, 5 और 6 काट दो पहले, ये 5 कट गया और ये 6 कट गया, सब कुछ सेम रहने वाला है। उसके बाद 1 और 2 भी काट दो अल्फाबेट में, 1 एंड 2। मुझे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 29 इन स्टेप टू। 29 अभी नहीं कटा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, उसके बाद पूरा मुझे ऐसे ही उतारना है, पूरा मुझे ऐसे उतारना, तो यहाँ पे क्या आएगा 29 कट हो गया। उसके बाद कोम तो मेरे पास सेट हो चुका है, कट है पहले ही, उसके बाद क्या आएगा 42 कट हो गया, उसके बाद क्या आएगा पेल कट हो गया, उसके बाद क्या आएगा फियर कट हो गया, उसके बाद क्या आएगा 39 कट हो गया, 67 पहले से ही कट हो चुका है, फेम भी कट हो चुका है, उसके बाद क्या आएगा 32 कट हो गया, उसके बाद क्या आएगा वेल्ड कट हो गया, 77 पहले कट हो चुका है, उसके बाद क्या आएगा टर्न, उसके बाद 1 एंड 2। मुझे बता रहा है, मुझे बताना है फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 29, 29 का है ये रहा, इसका राइट क्या होगा, यही होगा, इसके राइट में फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा। देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, इसका मतलब क्या होगा 32, तो आंसर क्या हो गया 32। अब देखो अगर मेरे पास नंबरिंग करी हुई होती तो मुझे हार्डली 20 सेकेंड लगते, क्या करना था मुझे सिर्फ ये उतारना था, 5 मतलब स्टेप का लॉजिक लिखना था, सिर्फ स्टेप के लॉजिक के हिसाब से 5 और 6 और 1 और 2 को कट कर देना था पेंसिल से, कट करने के बाद जो नंबर रह गए थे उनको उतारना था और देखना था 29 के बाद फिफ्थ पे राइट एंड में कौन सा आएगा, 32 आएगा। सॉल्व करते ही फटाफट से मैं इरेज कर देता फिर से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कितने एफिशिएंटली कर सकते हैं तो वही सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हाउ एफिशिएंट यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 77 एंड वेल्ड इन द लास्ट स्टेप। अब देखो आपने क्या पढ़ा, आपने सीधा पढ़ा लास्ट स्टेप पढ़ते आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप उतार दोगे। लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट में, ठीक है ना, नंबरिंग आपने करी हुई है पहले से ही, एग्जाम में आप करके रखोगे ना एक साइड तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है इनपुट आउटपुट सॉल्व करने का, और आप किसी भी तरह के क्वेश्चन इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह के, कितने आसान हो कितने मुश्किल हो। ठीक है, आपने नंबरिंग कर ली, अब लास्ट से मुझे पता है यही वाला है मेरे पास, मैंने लॉजिक क्रैक कर ही रखा है पहले से, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 पे क्या आएगा, 1 पे क्या है 29 2 पे क्या है, 2 पे क्या आएगा, 29 को कट करो, 22 पे क्या आएगा 32, 3 पे क्या आएगा 39,
फोर पे क्या आएगा 42, फाइव पे क्या आएगा 67, लास्ट क्या आएगा 77। इसमें हमें कट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को तो सारे यूज़ करने हैं इस वाले, इसमें हमारे पास कोई भी लेफ्ट आउट नहीं बचेगा, सबकी सब यूज़ होंगे, तो कट करे ना करे एक ही बात है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा कौन, उसके बाद आएगा फेम, उसके बाद आएगा फियर, उसके बाद आएगा पेल, उसके बाद आएगा टर्न, उसके बाद आएगा वेल्ड। अब मुझे क्या बताना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 77 एंड वेल्ड। 77 ये रहा, वेल्ड ये रहा, इनके बीच के एलिमेंट गिन लो आप, 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो गया, 5। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप देखते ही आंसर लगा सकते थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्या लिखने की जरूरत नहीं थी देखो, क्योंकि आप सीखना क्या है, कैसे आपको जल्दी आंसर निकालना है। लॉजिक हर कोई क्रैक कर लेता है लगभग, लेकिन टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में, तो वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि इतना टाइम इसी क्वेश्चन में लग गया मुझे, तो आपको टाइम ही तो बचाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 आपने लिखा लॉजिक सीधा, 6 से आपका लॉजिक, लास्ट स्टेप क्या है, 6th स्टेप का लॉजिक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे क्या बताना है, 77 और वेल्ड के बीच में कितने कितने मेरे पास एलिमेंट्स है। देखो 77 क्या है, 6th नंबर है, 77 ये है, इस तरह वेल्ड ये है, कितने एलिमेंट के बीच में, 1 2 3 4 5, सीधा 5 आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन स्टेप टू विच एलिमेंट अपीयर एग्जैक्टली बिटवीन पेल एंड 32। स्टेप टू के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा पेल और 32 के बीच में, फिर से नंबरिंग आपने कर रखी होगी, नंबरिंग आपने कर रखी होगी वहां पे, ठीक है। सेकंड स्टेप पूछ रहे, सेकंड स्टेप का मतलब क्या होगा, दो एलिमेंट सेट होंगे, 6 होगा और एक 5 होगा, इधर इधर 1 होगा और इधर 2 होगा, और बीच में सब सेम होगा, है ना, यही होगा। अब देखो फिफ्थ लिखो आप, कौन सा है, 67, इसको कट करो, पेंसिल से कट करना, 6 पे 77 कट कर दो पेंसिल से ही। अब बीच में गैप छोड़ दो काफ़ी, क्योंकि बीच में मुझे 2 और 2 4, मतलब 8 नंबर मुझे बीच में लिखने हैं, 8 एलिमेंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखो 1 1 पे क्या आएगा कौन, और 2 पे क्या आएगा फेम, पूरा नहीं लिखना आपको, सी और एफ पे लिख सकते हैं आप, कट कर दो इनको भी। अब जो बचे हुए हैं उनको बीच में ऐसे उतार दो, मतलब 29 लेफ्ट से राइट उतारते हैं ना हमेशा हम, 29 पहले उतारेंगे, कौन हमने सेट करा हुआ है पहली, उसके बाद 42 उतारेंगे, उसके बाद पेल, उसके बाद फियर, उसके बाद पेल, उसके बाद फियर, 39, 67 भी अपने सेट करा हुआ है, फेम भी करा हुआ है, 32 वेल्ड, 32 के बाद वेल्ड के बाद टर्न, टर्न हो गया। क्या बताना है मुझे, पेल और 32 के बीच में कौन सा एलिमेंट है, पेल कहाँ है ये रहा, 32 कहाँ है ये रहा, क्या क्या आ रहा है इसके बीच में, एफ ई मतलब फियर और 39, फियर और 39 कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड में। क्या करा आपने, स्टेप टू का लॉजिक लिखा, ये रहा स्टेप टू का लॉजिक लिखा, सिंपली जो जो लॉजिक के साथ सेट हो रहे थे उनको लिखा, बीच का स्पेस खाली छोड़ के जो जो मेरे पास सेट हो गए थे उनको लिखने के बाद उनको कट किया और बीच का स्पेस खाली छोड़ दिया, उसके बाद खाली स्पेस में लेफ्ट से राइट जो जो बचाता हूँ भरते चले गए। स्टेप सेकंड मिल गया हमें, स्टेप सेकंड मिलते ही पेल और 32 के बीच में देखा हमने फियर और 39 आ गया। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू एलिमेंट इन द थर्ड लास्ट स्टेप। कह रहा है थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर पहले दो और लास्ट के दो एलिमेंट क्या होंगे, इजीएस्ट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द थर्ड लास्ट स्टेप, सी
सिक्स इज द लास्ट स्टेप, फिफ्थ इज द सेकेंड लास्ट स्टेप एंड फोर्थ विल बी द थर्ड लास्ट स्टेप. बिकॉज सिक्स इज लास्ट, फिफ्थ इज सेकेंड लास्ट, सो फोर्थ विल बी थर्ड लास्ट स्टेप. नाउ वट टू डू? आई नो इन स्टेप वन, इन स्टेप वन ओनली वन एलिमेंट विल बी सेटल्ड. एक एलिमेंट सेटल्ड किया जाता है, टू में दो एलिमेंट करे जाते हैं, थ्री में तीन एलिमेंट करे जाते हैं. तो मुझे क्या करना है फोर्थ स्टेप के अंदर, इसका मतलब फोर एलिमेंट सेट होंगे यहाँ पे. अब फोर एलिमेंट सेट होंगे तो फोर एलिमेंट सेट कर लेता हूँ मैं, लॉजिक तो मुझे पता ही है ना. लॉजिक तो मुझे पता ही है, क्या है लॉजिक? पहले स्टेप में सिक्स, दूसरे स्टेप में फाइव, तीसरे स्टेप में फोर, चौथे स्टेप में वन, बीच का सेम. पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या हो गया स्टेप फोर्थ, मतलब थर्ड लास्ट स्टेप. नंबरिंग कर लो जो कि आपने कर रखी होगी, थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. मुझे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू एलिमेंट्स. फर्स्ट टू ये हो गए थ्री और फोर, फर्स्ट टू. लास्ट टू क्या हो गए, ये भी थ्री एंड फोर हो गए. बस फर्क क्या है, ये नंबर में है और ये अल्फाबेट में है. ठीक है, तो नंबर का थ्री और फोर देख लो आप कौन सा है आपके पास. नंबर का थ्री है 39 और फोर्थ है 42. अल्फाबेट का फियर और पेल, फियर और पेल कौन सा ऑप्शन है सेकंड? 39, 42, फियर एंड पेल. तो एक बार नंबरिंग करने के बाद आप देखो आपके छह क्वेश्चन हार्डली दो से तीन मिनट के अंदर सॉल्व हो गए, हार्डली. और थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो उससे भी कम में आप सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ आपको देख के आंसर ही टिक करना है. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप दो से तीन से चार मिनट के अंदर आप कर सकते हैं. तो थैंक यू फ्रेंड्स. करी टू, उसके बाद 59 को थ्री, यहाँ फोर, फाइव और ये सिक्स. छः नंबर थे, छः नंबरिंग कर ली हमने. उसके बाद सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा? बी आएगा, लेकिन बी में यहाँ पे बर्न भी है, बोल्ड भी है. डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा? बी दोनों में सेम है, ओ पहले आता है या यू, ओ पहले आता है, तो इसका मतलब बोल्ड पहले आएगा डिक्शनरी में. उसके बाद क्या आएगा? बर्न. उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद मिंट, उसके बाद पार्ट, दैट वाइब. बस इतना कर लिया आपने. अब आपको बहुत कम टाइम लगेगा लॉजिक क्रैक करने में. अब देखो क्या करना है. अब आपको सिर्फ 95 यहाँ पे आ गया पहले उठ के फर्स्ट स्टेप में. और कोई चेंज भी हुआ है क्या? हाँ, बोल्ड भी आ गया यहाँ पे, दो चेंजेस हुए हैं. इसका मतलब 95 का नंबरिंग क्या करी हमने? 6. यहाँ पे पहले आया 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का. उसके बाद सारा सेम रहा और लास्ट में क्या आ गया? बोल्ड की नंबरिंग क्या है? 1. 6 एंड 1. दूसरे से आप में अगर हम देखेंगे तो 82 यहाँ पे आ गया, 95 से पहले आ गया. 82 की नंबरिंग क्या है? 5. मतलब 5 आ गया 6 से पहले. उसके बाद क्या हुआ? बोल्ड के बाद क्या आ गया? बर्न. तो मतलब 1 के बाद क्या आ गया? 2. इसके बाद क्या हुआ? 82 से पहले आ गया 72. 72 की नंबरिंग क्या करी हुई हमने? 4, 5, 6. पूरा सेम रहा, 1, 2. लास्ट में क्या किया? लेफ्ट. लेफ्ट की नंबरिंग क्या कर रखी हमने? 3. इस तरीके से चलते चलते हम लास्ट स्टेप पे जब पहुंचेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, है ना?
ये नंबरिंग हो गया हमारे पास नंबर्स की, इस तरह अल्फाबेट की भी है 1, 4, 5, 6 सेम 1, 2, 3। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप 1, स्टेप 2। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ भाई। आपको सीधा स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप लिखना है। कैसे मैं बताता हूँ आपको भी। स्टेप 4 कैसे लिखेंगे हम? 3, 4, 5, 6 सेम 1, 2, 3, 4 है ना। स्टेप 5, 2, 3, 4, 5, 6 सब कुछ सेम 1, 2, 3, 4, 5। एंड लास्ट स्टेप 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया स्टेप 6 फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप ये है तो सेकंड लास्ट स्टेप ये हो गया स्टेप 5। स्टेप 5 की नंबरिंग क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। बीच में जो बचा होगा वो सेम, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है ना। ये आपके स्टेप 5 की नंबरिंग है। अब पहले आप इसको इरेज कर देते हैं। अब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे स्टेप 5? देखो जब आप स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा था, एक नंबर सेट हो रहा था 6 और यहां पे एक नंबर सेट हो रहा था 1। स्टेप 2 में दो नंबर सेट हो रहे थे है ना, 5 और 6, इधर 1 और 2। तो स्टेप 1 में एक, स्टेप 2 में दो, इस तरह के स्टेप 5 में कितने नंबर सेट होंगे? 5 होने चाहिए। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। तो 5 नंबर कौन कौन से हैं? 6 से हम अगर शुरू करेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2। इसे हम 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। पहले आएगा ई से, तो ये हो गया 2। डिक्शनरी में फियर फेम पहले आएगा, उसके बाद आएगा फियर, उसके बाद आएगा पेल, उसके बाद आएगा टर्न, उसके बाद आएगा वेल्ड। ठीक है, नंबरिंग आपने कर ली। अब देखो क्वेश्चन में आपको नंबरिंग करने के बाद कुछ सिर्फ देखते आप आंसर टिक कर सकते हो। कैसे? हमने जो अपना रेफरेंस वाला क्वेश्चन लिया था जिससे हमें लॉजिक क्रैक करना था, उसमें क्या था? पहले आ रहा था हमारे पास 6, सब कुछ सेम, और लास्ट में आ रहा था 1। उसके बाद आ रहा था 5, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले क्या आया? 77। 77 का मतलब क्या है? हमने 77 को क्या नंबरिंग करी है? 6। 6 आया पहले, उसके बाद देखो सब सेम चल रहा है, 29, 42, 29 के बाद कौन आना चाहिए था, लेकिन कौन क्या हुआ? लास्ट में चला गया। दो चेंजेस हो रहे हैं, कौन का नंबरिंग क्या कर रखी है हमने? 1। ठीक है, और सब सेम है, इसका मतलब पहले 6 और लास्ट में 1। कौन से स्टेप की नंबरिंग है हमारी? जो हमने रेफरेंस स्टेप देखा था, जो हमने रेफरेंस क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से 6 और 1 जो है हमारे पास खाली फर्स्ट स्टेप में आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? स्टेप फर्स्ट। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, सर आप देख के आंसर टिक कर सकते थे। कैसे? जब आप नंबरिंग करोगे 77 को, आपने देखा नंबरिंग बैठ रही है मेरी 6, और कौन की नंबरिंग बैठ रही है? 1। 6 और 1 कौन से स्टेप में थे मेरे पास? फर्स्ट में। सिंपल सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फेम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 67 इन द सेकेंड लास्ट स्टेप। कह रहा है मेरे पास पोजीशन क्या होगी फेम की फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 67, 67 के राइट एंड से फेम की पोजीशन क्या होगी इन द सेकंड लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले तो मुझे सेकंड लास्ट स्टेप देखना पड़ेगा वो क्या होगा। अब देखो क्या हो रहा था फर्स्ट स्टेप में, क्या आ रहा था? आपको लॉजिक तो पता ही है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? 6 सेम, यहाँ पे आ रहा था 1। दूसरे स्टेप में 5, 6, सब कुछ सेम, फिर 1, फिर 2, इस तरह थर्ड स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट का नेक्स्ट पार्ट और देखेंगे एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एक बार IBPS PO 2014 में पूछा गया है। इनपुट दे दिया गया
छह स्टेप दिए गए, लास्ट स्टेप आउटपुट होता है हमारा, हमने सीखा था बेसिक वीडियोस में। और इससे हमें एक लॉजिक क्रैक करना था, उस लॉजिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, अबाउट 6 क्वेश्चन थे, और उन 6 क्वेश्चन को हमें इसी लॉजिक से सॉल्व करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम देखेंगे कैसे इसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी वाली मेरी वीडियो देखी है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो हमने पार्ट बनाया है इसका, इनपुट आउटपुट का, अगर आपने वो देखा है तो आप इसे बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम में पूरे मार्क्स पा सकते हैं। अगर आप इसका लॉजिक वैसे समझने की कोशिश करेंगे बिना मेरी ट्रिक को यूज़ करे हुए, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है एक्चुअली में। तो हम इसमें टाइम बचाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे और कैसे इसका लॉजिक हम पहचानेंगे। तो हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब देखो क्या करना होता था हमें, हमें सिंपली क्या करना होता था, हमने थर्ड वीडियो में क्या देखा था, नंबरिंग करते हैं, या तो हम असेंडिंग करें नंबरिंग या डिसेंडिंग करें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब स्मॉल से बिग, जो नंबर सबसे छोटा है उसे नंबरिंग हम करेंगे 1, जो उससे बड़ा है उसे 2, उस हिसाब से अल्फाबेट को, जो सबसे पहले अल्फाबेट आएगा उसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से। तो फटाफट से नंबरिंग करनी है हमें। 46 को हमने नंबरिंग करी 1, उसके बाद 49 आएगा, उसको नंबरिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया अल्फ़ाबेट की। तो लॉजिक तो क्रैक हो गया, बस हमें क्या बात जो हमें मेन ध्यान में रखनी है, वो फर्स्ट स्टेप में 6 आया था, सेकंड में 5 आया था, थर्ड में 4 आया था, मतलब उल्टे राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर ऐड हो रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, पहले 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और बाकी सारे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। कैसे देखो, अब आप जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ये, एक इनपुट दे दिया गया है 29:42 इस तरीके से, और पूछा गया है विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। ये एक स्टेप दिया हुआ है इस इनपुट के ऊपर बेस, और पूछा है ये जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप होगा। आपको इसी इनपुट के ऊपर 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे, जस्ट सपोज आपको LIC में भी इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाता है, आप इनपुट को रफ पेपर के कोने पे लिखोगे, कैसे लिखोगे वो भी देखो, 29, उसके बाद कोन है तो खाली सी लिखना है आपको, टाइम बचाना है आपको, 42, पेल है तो खाली पी लिखना है। अब देखो एफ से दो वर्ड हैं, फियर और फेम, तो आप फियर को कैसे लिखोगे, FE, और फेम को कैसे लिख दोगे, FA। इस तरीके से आपको जल्दी से लिखना है इनको और उसकी नंबरिंग कर देनी है। एक बार नंबरिंग करना ही आपको 6 क्वेश्चन में काम आएगा। हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स हैं इसलिए हमें बार बार नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार नंबरिंग करनी है 6 क्वेश्चन के लिए। इसे आप फटाफट से नंबरिंग कर लोगे, 1 एंड देन उसके बाद 32:2, 39:3, 42:4, 67 एंड देन 77। इस तरीके से आप अल्फाबेट की नंबरिंग, कौन पहले आ गया, सी के बाद एफ आएगा, लेकिन फियर और फेम है तो एफ तो कॉमन है,